फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ चैप्टर, प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इन मशीनरी एंड आरसीसी कंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे फेलियर के बारे में, ठीक है, जितनी भी डिटेलिंग रहती है उसमें जो है ये इनका भी बहुत महत्व रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर फेलियर ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रावधान करने चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा इरेगुलरिटी इन आरसीसी, ठीक है। इरेगुलरिटी क्या क्या रहती है, इट इज इन रेनफोर्स कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स, तो अस्थायीपन क्यों आता है कि अगर प्रॉपर तरीके से तो उसके अंदर प्रोविजन ना दिया गया हो किसी भी कोड का, जैसे उसमें एरर आ जाते हैं, ठीक है, उसे एनालाइज करना, फॉल्टी डिजाइन प्रैक्टिसेस, तो ये सारे बहुत सारे कारण बन जाते हैं इरेगुलरिटी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके तो सबसे पहले जो रेगुलर बिल्डिंग होती है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो रेगुलर बिल्डिंग कौन कौन सी जो है उसके अंदर जो सेटिस्फाई रखती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसका नंबर एट इज ये रेगुलर बिल्डिंग का है, ठीक है, रेगुलर बिल्डिंग्स का, ठीक है। अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो ही हम उसकी जो है रेगुलरिटी जो है पहचान पाएंगे, ठीक है। पहले तो सिमेट्रिक शेप एंड साइज, सिमेट्रिक शेप एंड साइज, सिमेट्रिक शेप एंड साइज, बोथ दोनों ही प्लान एंड एलिवेशन, ठीक है। उसका सामने का और ऊपर का जितना भी प्लान और एलिवेशन रहता है वो सारे का सारा जो शेप एंड साइज में बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए। स्ट्रक्चर एलिमेंट आर अरेंज, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन मैनर्स, अरेंज्ड इन मैनर्स, लेटरल फोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ऑन देम, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है जो भी, तो उसके ऊपर लेटरल फोर्स जो है प्रॉपर तरीके से जो है दी जानी चाहिए, दी होनी चाहिए। इट इज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड दिया जाना चाहिए, ठीक है। टोटल लोड नंबर फोर, टोटल लोड, तो टोटल लोड कौन सा है, डेड लोड, डेड लोड कौन सा है, जैसे कि स्ट्रक्चर में
मेंबर्स, तो लाइव लोड मैन मटेरियल, ठीक है, लाइव लोड जो चलता फिरता मैन मशीन वगैरह, ठीक है, प्लस अर्थक्वेक लेयर लोड, अर्थक्वेक लोड, तो ये तीनों लोड मिलाकर के टोटल लोड बनता है। मस्ट गेट प्रॉपर लोड पाथ, मस्ट गेट प्रॉपर लोड पाथ, तो प्रॉपर लोड इनके ऊपर दिया जाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लोड के हिसाब से ही इसे रखना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर टू लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू फाउंडेशन, जो वो लोड है सुपरस्ट्रक्चर से जो है नीचे की तरफ फाउंडेशन की तरफ ही रहना चाहिए, ठीक है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो इरेगुलरिटी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ नहीं है तो वो क्या बिल्डिंग क्या कहलाती है, तो इरेगुलरिटी कहलाती है, ठीक है, इरेगुलर बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है। तो जिसके अंदर ये सेफ साइज ना हो, मास जो है डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो वो बिल्डिंग क्या कहलाती है, इरेगुलर बिल्डिंग ही कहलाती है, ठीक है। तो ये सारे इरेगुलर बिल्डिंग के जो आगे, ठीक है, तो जो इस जो चीज ये सारे सेफ एंड साइज या रेगुलेटरी ना हो तो वो इरेगुलर बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है। तो कितने प्रकार की जो है इरेगुलर बिल्डिंग रहती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इरेगुलर बिल्डिंग, कितने टाइप की इरेगुलर बिल्डिंग रहती है, दो टाइप की रहती है, एक वर्टिकल इरेगुलरिटी और या इरेगुलरिटी, कितने टाइप की रहती है, ठीक है। तो ये दो टाइप की रहती है, नंबर एक वर्टिकल इरेगुलरिटी, नंबर दो हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटी। ठीक है, तो वर्टिकल इरेगुलरिटी क्या रहती है, जिसमें जो है वर्टिकल प्लेन्स वगैरह रहते हैं या बीम्स रहते हैं तो वो जो है कमजोर हो, ठीक है, वो कमजोर हो तो वो क्या कहलाती है, वर्टिकल इरेगुलरिटी कहलाती है। और हॉरिजॉन्टल में जब लैटरल बीम या लैटरल जो भी स्ट्रक्चर मेंबर्स वो वीक रहते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल जो है इरेगुलरिटी कहलाती है, ठीक है। वर्टिकल इरेगुलरिटी में भी डिफाइंड है वर्टिकल वीक प्लेन विच बिकम द कॉज ऑफ फेलर, तो जो कंपकपी के दौरान या सिस्मिक मौसम के दौरान जो भी वर्टिकल प्लेन्स जो है हिलते हैं या उसको जो है दरारें वगैरह आ जाते हैं या
साइड में वर्टिकल टाइप में जो है में रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकल इरेगुलरिटी। जो हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास नंबर 5 पाउंडिंग ऑफ टू एडजेसेंट बिल्डिंग तो ज्योमेट्री के चेंज होने से ठीक है, ज्योमेट्री के जैसे कि उसके स्ट्रक्चर मेंबर है ठीक है, उसके अंदर जो है लेंथ में विड्थ जो है उसके अंदर चेंजेस आने से तो ये बिल्डिंग में जो है इरेगुलरिटी आती है। तो स्ट्रेंथ उसकी ठीक है, स्ट्रेंथ लोड जो है उसके अंदर
कम ज्यादा होने से स्टिफनेस, उसकी जो कठोरता, जो सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग रहती है तो उनमें उनको जो है वीक हो जाने से, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास, ठीक है, रिड्यूस डक्टिलिटी, लेटरल फोर्स, मोर चांसेस ऑफ कोलैप्स। तो ठीक है, जैसे कि उसका बेंडिंग मूवमेंट, लेटरल लोड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू द बेस ऑफ फाउंडेशन, तो ये सारी जो है उसके अंदर से कॉन्सेंट्रेशन ना रहने से, ठीक है, पाउंडिंग ऑफ टू एडजेसेंट, तो इफेक्टिंग आने से, पाउंडिंग जो भी होता है, ठीक है, जो दो आपस में जुड़ी हुई बिल्डिंग्स है उनके अंदर जो है आपस में तेल तालमेल ना बने रहने से या प्रॉपर तरीके से वो एडजस्ट नहीं होने से, ठीक है। तो ये सारे कारण बनते हैं। तो और हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज में डिफ्लेक्शन से रहती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, जो एक्सेसिव लेटरल डिफ्लेक्शन इन स्ट्रक्चर मेंबर बिकॉज द हॉरिजॉन्टल सिस्मिक फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक फोर्स जो रहती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल रहती है, बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है, ठीक है, तो उसी की वजह से जो है ये लेटरल डिफ्लेक्शन रहती है, ठीक है। तो टॉर्शन जनरली बिकॉज द फॉलोइंग रीजंस, कौन सी, एसिमेट्रिकली डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, तो जो डिजाइन होता है बिल्डिंग्स का वो कितनी क्या रहना चाहिए, साइमेट्रिक रहना चाहिए, अगर साइमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, अगर असाइमेट्रिक रहेगा तो वो बिल्डिंग क्या रहेगी, गिर जाएगी या वो गिरने का खतरा उसके अंदर ज्यादा रहता है, ठीक है, या उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है उसकी जो है माप तोल या नाप, जो नाप वगैरह है उसका पैमाना जितना भी रखा जाता है, ठीक है, मेजरमेंट जो भी रखी जाती है वो सही ना होने के कारण भी तो जो है ये हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटी रहती है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है प्रॉपर तरीके से ना हो, ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण बन जाते हैं जो है। तो नॉन पैरेलल शियर फोर्स, शियर बॉल्स, जो शियर बॉल्स का जो है आपस में जो पैरेलल ना होना, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो जो प्रॉपर तरीके से पैरेलल बॉल्स रहती है तो उसमें जो है गिरने का खतरा कम रहता है, ठीक है, तो ये इरेगुलरिटी नॉन पैरेलल शियर बॉल्स, ठीक है, इसका आपस में जो है प्रॉपर वे में ना होना, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होना, तो वो भी एक कारण रहता है, ठीक है। लैक ऑफ सेपरेशन, तो जो लार्ज जो सेपरेशन आपस में दो बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो ज्वाइंट जो होते हैं तो वो नीड सेपरेशन कर लो, यानी कि इसके अंदर
गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जो जो आपस में ज्वाइंट है तो वो आपस में सही होने चाहिए। ठीक है, तो लैक ऑफ सेपरेशन या ज्यादा इसके अंदर ज्यादा ज्वाइंट्स दे दिए जाए। ठीक है, ज्यादा ज्वाइंट देना भी तो वो एक जो है बहुत ज्यादा खतरनाक रह सकता है। ठीक है, इसलिए कम से कम ज्वाइंट्स होने चाहिए। तो लार्ज ओपनिंग एरिया अगर जो है बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग बनाते समय प्रॉपर साइज ना होना या ज्यादा बड़ा साइज का जो है एरिया में जो है, ठीक है, तो ये लार्ज ओपनिंग एरिया खुला जो एरिया रहता है वो ज्यादा रख देना। ओपनिंग एरिया तो ये ज्यादा खुला रख देना बिल्डिंग्स का के लिए, तो वो ये कारण बन जाता है कि बिल्डिंग्स के जो है गिरने का। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण बन जाते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है वेट ऑफ बिल्डिंग और लेंथ ऑफ बीम और जॉइंट, तो उसके वेट के हिसाब से बिल्डिंग का जो है प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो है सेपरेशन ना रहना। ठीक है, तो लार्ज जो है बड़ा जो है साइज रख देना। ठीक है, और उसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ भी प्रॉपर तरीके से ना होना या ज़्यादा जो दूर जो जॉइंट्स लगे होना या प्रॉपर तरीके से जॉइंट्स का जो है आपस में ना मिलना, तो ये सारा जो है लार्ज ओपनिंग डायफ्राम में होता है। ठीक है, तो इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो ये था अपना इरेगुलरिटीज जितनी भी आरसीसी बिल्डिंग के अंदर जो भी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जो भी सिस्मिक डैमेज रहता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।